नौ बटे चार का दशमलव प्रसार। ठीक, पता करना है तो दो तरीके हैं, एक भाग करके और दूसरा बिना भाग किए। भाग करके निकालना हो तो क्या करेंगे, सिंपल हम 9 में 4 से भाग करेंगे, 4 दुनी 8 बचेगा 1, लगाएंगे यहाँ पे दशमलव, बढ़ाएंगे यहाँ पे 0, 4 दुनी 8, फिर बचेगा 2, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, 4 पंचे 20। तो इस तरह से ये आ जाएगा 9 बटे 4 का दशमलव प्रसार है वो हो जाएगा 2.25। ठीक, बिना भाग करे कैसे करते हैं, बिना भाग करे निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, इसका जो हर है उसे हम 2 की घात में चेंज करेंगे और फिर 2×5 में कन्वर्ट करेंगे और दोनों की घाते बराबर करेंगे। तो 9 बटे 4 को हम लिख सकते हैं 9 बटे 2 की घात 2। ठीक, अब 2 की घात 2 अगर आ गया है तो आपको 5 की घात भी 2 यहाँ पे लाना है, चाहे जैसे लाओ। अब उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5 की घात 2 हो तभी तो बराबर होंगे, इसलिए हम अंश व हर में 5 की घात 2 से गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 9 ऊपर 5 की घात 2, नीचे 2 की घात 2, 5 की घात 2, तो ऊपर क्या हो जाएगा 9×25 और नीचे हो जाएगा 2×5 की घात 2। बात समझ में आई, ये हो गया आपका 25 का 9 से 9 पचे 45, 9 दुनी 18, 18 और 4 22 और नीचे हो गया 10 की घात 2। ठीक, इसका मतलब ये हुआ ऊपर आ गया 225 और नीचे आ गया 100 और नीचे कितने जीरो हैं, 2, तो दशमलव कहाँ लगेगा, 2 अंक पे, ये आ गया 2.25। ठीक, तो ये तो बात है किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हम दो तरह से निकाल सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ गई, चाहे भाग करके या फिर बिना भाग करके, दोनों तरीके आपको पता हैं। अब अगर हम इसका उल्टा क्रम, जो कि प्रॉब्लम आपको हुई है, और वो ये है कि अगर दशमलव प्रसार दिया गया हो तो हम इस परिमेय संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे, तो यही उदाहरण लेंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका उल्टा, एक तो क्वेश्चन ये हो गया, अगर यही क्वेश्चन उल्टे क्रम में आ जाए कि 2.25 को पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ से उदाहरण यही लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि आपको इसका आंसर भी पता है कि 2.25 को अगर हम पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त करेंगे तो 9/4 ही आना चाहिए। इसी प्रश्न को करने का हमारा मतलब सिर्फ ये है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये समस्या है, ये आज हम लोग सीखेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इसकी वैल्यू को हम मान लें, माना x बराबर 2.25। ठीक, कोई दिक्कत, हमें x तो फाइंड करना है ना, तो हमने x मान लिया कि 2.25 की जो भी वैल्यू पी अपान क्यू में होगी वो x है। अब देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2, तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा कर लेंगे, दोनों, हमें दशमलव हटाना है, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर दशमलव कब हटेगा, जब हम 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि दशमलव 2 अंक पे लगा है, तो ये हो जाएगा 100x और इधर जब हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 225।
ठीक, आसानी समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 225 बटे 100, 100 चला जाएगा नीचे। अब इसको सरल कर लो, इसका निम्नतम रूप ही लिखेंगे, नहीं तो आप सोचो यही लिख देंगे। कभी भी कोई भिन्न लिखी हो तो उसको हम क्या करते हैं, उसको सरल करते हैं और उसका जो निम्नतम रूप हो उस रूप में उसको लिखते हैं। 5 और 0 लास्ट में है तो 5 से कटेगा, 5 चौको 20, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 नवा 45 और 5 चौको 20, एक्स बराबर आ गया 9/4। क्या प्रॉब्लम है, अगर हम 9/4 को भाग करके या बिना भाग करके 2.25 ला सकते हैं, तो 2.25 को भी हम इस तरीके से 9/4 के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।